नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जीरो नंबर वाले बने गुरुजी, आरपीएससी के रिजल्ट में हुआ खुलासा, परीक्षा पर उठे सवाल। अलवर मंडी में आड़तियों ने किया काम ठप, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पुलिस चौकी में हुई शराब पार्टी, लड़ाई में सिपाही का फूटा सिर, हमलावर हुआ फरार। सेवादारों की सफाई अभियान से चमके अस्पताल, समाज सेवा का दिखाया जज्बा, अलवर सहित 250 शहरों में चला कार्यक्रम। राजस्थान के स्कूलों में अब ऐसे टीचर नियुक्त होने जा रहे हैं जिनके मुख्य सब्जेक्ट में माइनस मार्किंग है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक ग्रेड सेकंड के घोषित किए गए रिजल्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अध्यापक ग्रेड सेकंड के लिए क्वालिफाई करने वाले एक अभ्यर्थी को जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी के पेपर में 0 और गणित में -9.79 अंक मिले हैं। रिजल्ट आने के बाद अब जल्द ही उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। इस चयनित अभ्यर्थी की मार्कशीट अब सार्वजनिक हुई है, जिसमें यह खुलासा हुआ। आरपीएससी द्वारा यह परीक्षा 30 जून 2017 में आयोजित की गई थी, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग बैठे थे। 662 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से 660 पदों पर ही परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा के 24 फरवरी को घोषित रिजल्ट से पहले 10 फरवरी को भी परिणाम घोषित किए गए थे। इस रिजल्ट का प्रदेश भर के परीक्षा देने वाले छात्रों ने विरोध किया था। इसके बाद आयोग ने रिजल्ट को संशोधित किया था। गौरतलब है कि अध्यापक पद की 662 वैकेंसी के लिए आयोजित इस परीक्षा में एसटी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 106 स्थान आरक्षित है। घोषित रिजल्ट में जिस अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया है उसे गणित में -9.79 नंबर मिले हैं। रिजल्ट से नाखुश अभ्यर्थियों ने रोल नंबर 258064 की मार्कशीट निकाली है। इसकी जन्म तिथि 5 अप्रैल 1995 है। यह अभ्यर्थी एसटी क्षेत्र से है। इसकी मार्कशीट में जीके और एजुकेशनल साइकोलॉजी के पेपर में 0 अंक हैं, जबकि मुख्य पेपर गणित में -9.79 अंक हैं। इसे मेरिट में 659 नंबर पर रखा गया है और यह चयनित अभ्यर्थी है। इसके चलते आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। सवाल यह भी है कि विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से क्या सीखेंगे। उधर आरपीएससी ने सफाई दी है कि नियमों के तहत ही यह चयन किया गया है और संबंधित कैटेगरी की कट ऑफ के आधार पर नियुक्ति दी गई है। अलवर में सब्जी मंडी आड़तिया यूनियन की ओर से काम काज बंद रखकर विरोध जताया गया। इसके अलावा धरने का भी आयोजन हुआ। इनका आरोप है कि सब्जी मंडी में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हड़ताल की वजह से सब्जी मंडी में दुकानें बंद रही और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आड़तियों का आरोप था कि मंडी के एक उच्च अधिकारी द्वारा बेवजह वसूली की जाती है। यूनियन अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा ने बताया कि इस अधिकारी की मिली भगत से उन्हें कर्मचारियों द्वारा अक्सर परेशान किया जाता है। वहीं पूर्व अध्यक्ष अभय सैनी ने कुछ कर्मचारियों द्वारा हफ्ता वसूली के भी आरोप लगाए। वहीं आड़तिया ठाकुरदास ने भी इसे लिखकर रोष जताया, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। आरोप है कि अलवर मंडी के उच्च अधिकारी ने पिछले दिनों सीएम के आगमन के नाम पर व्यापारियों से लाखों रुपए इकट्ठे किए थे। इसके अलावा प्याज मंडी और फल सब्जी मंडी में दुकानों के आवंटन के लिए भी वसूली की गई। द्वारा जो फैलाया जा रहा भ्रष्टाचार, उसके विरोध में हम लोगों ने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, मंडी के उच्च अधिकारियों को बताया, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो व्यापारियों ने आज 24 तारीख को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ की व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं आया, तो सभी व्यापारी आगामी चर्चा करके अनिश्चितकालीन बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। और बड़े जो हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के मंत्री हैं या राजस्थान की मुखिया है, उन सबको लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इसलिए आज हमने एक देखा कि पिछले 6 महीने से मंडी के अंदर अवैध वसूली, अव्यवस्थाएँ, भ्रष्टाचार के विरोध में जब यहाँ का व्यापारी, फुटकर विक्रेता बुरी तरह से परेशान हो गया, तो आज हमें मजबूरी में धरना देना पड़ा। और हमने कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री महोदया को, शहर विधायक को, कृषि मंत्री जी को, हमने सबको अवगत करा दिया है
कि मंडी का जो प्रशासन है, सेक्रेटरी महोदय और उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो किस कदर हम लोगों को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसके विरोध में आज हमने 9 बजे से 1 बजे तक सांकेतिक धरना दिया है। प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम 5 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे एवं धरना देंगे। आज जो हमारा ये बंद का ऐलान है इसमें सचिव महोदय विष्णुदत्त शर्मा इनका ट्रांसफर चाहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ऐसी अनियमितताएं मतलब यहाँ पे आई है जिससे परेशान होकर के हमको आज मतलब मंडी की हड़ताल करनी पड़ रही है। इसके समर्थन में हमारी पुरानी सब्जी मंडी, पुराना कटला, शिवाजी पार्क, फुटकर वाले जितने भी हैं, ठेली वाले सब ने हमारा समर्थन किया पूरा अलवर मतलब। होली के मौके पर अलवर में महामूढ़ सम्मेलन के तहत हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पूरे 13 साल बाद यह प्रसिद्ध आयोजन फिर से किया जा रहा है। आज गोदंबर रेस्टोरेंट में हुई प्रेस वार्ता में संयोजक अखिल मोदी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 के बाद एक बार फिर उसी अंदाज में अलवर के अभय समाज रंगमंच पर हास्य कवियों का धमाल होगा। यह कार्यक्रम 25 फरवरी को शाम 8 बजे होगा जिसमें देश के नामी कवि शिरकत करेंगे। साथ ही लाफ्टर चैंपियन शो फेम हास्य कवि एकेश पार्थ भी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा मनोहर मनोज लटूरी, लठ योगेंद्र मौदगिल, लोकेश महाकाली, राजकुमार बादल, हरिओम पारिक आदि कविताएं पेश करेंगे। अभ्युदय मंच द्वारा स्वर्गीय विप्लव मोदी की स्मृति में किए जाने वाले सम्मेलन में महामूढ़ अध्यक्ष के रूप में एयू बैंक के प्रबंध निदेशक संजय अग्रवाल का चयन किया गया है। प्रेस वार्ता में आरटीओ भीषण कालरा, जगदीश बेनीवाल, अशोक खंडेलवाल, विकास गुप्ता, अभय मोदी और सपना मोदी आदि मौजूद रहे। 12 वर्षों के पश्चात ये पूरे 24वां महामूढ़ कवि सम्मेलन हो रहा है। इस कवि सम्मेलन में देश के सभी नामी कवियों को बुलाया है, जो आसक्ति जिनकी स्वीकृति आ गई थी। चूँकि ये कवि सम्मेलन होने की सहमति काफ़ी देर से तय हुआ तो जिन जिन की होली के समय पे जिन जिन की स्वीकृति आ गई उनको हमने इनवाइट कर लिया और रात्रि आठ बजे राजर्षि अभय समाज में ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो जैसे गरिमा पूर्व में एक कंपनी बाग में भी होता था, जिस गरिमा के साथ पूर्व में इसको याद किया जाता है, तो आज जो समाज में और आम जनता से जो रिस्पांस मिल रहा है अभ्युदय मंच को, वो उससे ऐसा लग रहा है कि ये नियमित हर साल कराए जाने योग्य प्रोग्राम है। अलवर के बुद्ध विहार में 4,75,00,000 रुपए की लागत से महाराजा भरतहरि पैनोरामा का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास आज संपन्न हो गया। इस मौके पर राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही शहर विधायक बनवालाल सिंगल, जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, सभापति अशोक खन्ना, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे। साथ ही जिला कलेक्टर राजन विशाल भी पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलवर के अंदर महाराजा भरतहरि जी का, जो हमारे लोक देवता हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका एक पैनोरमा बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। 4,75,00,000 रुपए की स्वीकृति से इसका निर्माण होगा। यूआईटी ने हमको इसकी निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई है और हम इसको आगामी, हमारा ये प्रयास है कि आगामी 4 महीने में हम इसका जो प्रमुखता से जो काम है उस काम को पूरा करें और जून या जुलाई के अंदर हम इसको लोकार्पित कर सकें। आज शहर के बिल्कुल बीचों बीच बुद्ध विहार के बाहर मेन रोड पर, जो अलवर से बैरोड रोड वाला नारनोड रोड जाती है, रेवाड़ी को जाती है, इस सड़क पर महाराजा भर्तृहरि योगीराज भर्तृहरि के पैनोरमा का, जो जमीन के अलावा 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा, ये एक भव्य पैनोरमा होगा जिसमें महाराजा भर्तृहरि से, योगीराज भर्तृहरि से जुड़ी सभी यादें होंगी। लोग अभी तक अपने सभी शुभ कार्यों के लिए बाबा भर्तृहरि को मनाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भर्तृहरि जी के स्थान तक जाते हैं जो लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। अब तत्काल प्रभाव से दर्शन करके अपने सभी कामों को शुरू करने का अवसर लोगों को मिलेगा। शहर में महाराजा भर्तृहरि, योगीराज भर्तृहरि से के जीवन से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को जानने का अवसर मिलेगा। अलवर के लोक देवता योगीराज भर्तृहरि की स्मृति में मुख्यमंत्री जी की इच्छा से धरोहर प्रोन्नति संरक्षण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लखावत की योजना से ये अलवर के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जो भर्तृ बाबा का पैनोरामा बनने की आज शुरुआत हुई है, शिलान्यास हुआ है। भर्तृहरि लोक देवता तो है ही, साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में देश विदेश में विख्यात तो है ही। भर्तृहरि इतने बड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे
कि जिन्होंने 100 श्लोक नीति पर, 100 श्रृंगार पर और 100 वैराग्य पर लिखे, जो नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक कहलाए, जिन पर राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के बहुत लोगों ने पीएचडी की है, शोध किया है। आज अलवर के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि यहाँ महाराज भर्तृहरि के लिए पैनोरमा का आज नींव का मुहूर्त किया गया है। इसके लिए मैं राजस्थान धरोहर संरक्षण समिति के लखावत साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, जिनको धार्मिकता संस्कृति का बहुत ही ज्ञान है और इसके लिए कभी भी वो बजट में कमी नहीं आने देते हैं। आपके प्रयास से और आपकी क्रियाशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान धरोहर संरक्षण समिति के लिए कभी भी पैसों की कमी नहीं आने दी है और अलवर में इस कार्य के लिए 5 करोड़ तकरीबन रुपए पास किए गए हैं और इसको और भी हम अच्छे से बना सकें। UIT के द्वारा जमीन जो यहाँ दी गई है, ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए मूल्य की हमने जमीन आदरणीय लखावत साहब के इनकी भाव और अलवर जिले को समर्पित करने के लिए दी है। गौरतलब है कि धरोहर संरक्षण प्राधिकरण की ओर से वीर सेनानी हसन खां मेवाते की याद में भी स्मारक बनवाया गया है। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आज विशाल सफाई अभियान के तहत सरकारी अस्पतालों को स्वच्छ बनाया गया। इस दौरान अलवर सहित देश के 250 शहरों में 564 अस्पतालों की सफाई की गई। अलवर में सुबह शहर विधायक बनवरलाल सिंगल और सभापति अशोक खन्ना की मौजूदगी में अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला संयोजक सोमनाथ की अगुवाई में गुरु वंदना के साथ अभियान की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अमृत खत्री ने बताया कि सामान्य चिकित्सालय, महिला और शिशु चिकित्सालय और टीबी अस्पताल सहित आसपास के क्षेत्र में निरंकारी सेवादारों ने सफाई की है। आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जो संत निरंकारी मिशन का सामाजिक सेवा का क्षेत्र है, इसके तहत आज पूरे भारत में ये सफाई अभियान जो पूज्य मोदी जी ने ये शुरू किया है, उसी के तहत आज ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोग्राम के अनुसार 250 शहरों में 564 सरकारी हॉस्पिटलों की सफाई की जा रही है। तो ये सेवा दल के बहन भाई तथा चैरिटेबल फाउंडेशन के स्वयं सेवक और हमारी संगत के भगत बहन भाई बच्चे इसके अंदर आज सफाई अभियान कर रहे हैं। 250 शहरों में तथा 564 सरकारी अस्पतालों की सफाई का ये महाअभियान चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज अलवर में भी राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में, महिला चिकित्सालय में, टीबी अस्पताल में तथा शिशु अस्पताल में निरंकारी सेवादारों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक सोमनाथ जी की देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जीरो नंबर वाले बने गुरुजी, आरपीएससी के रिजल्ट में हुआ खुलासा, परीक्षा पर उठे सवाल। अलवर मंडी में आड़तियों ने किया काम ठप, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पुलिस चौकी में हुई शराब पार्टी, लड़ाई में सिपाही का फूटा सिर, हमलावर हुआ फरार। सेवादारों की सफाई अभियान से चमके अस्पताल, समाज सेवा का दिखाया जज्बा, अलवर सहित 250 शहरों में चला कार्यक्रम। राजस्थान के स्कूलों में अब ऐसे टीचर नियुक्त होने जा रहे हैं जिनके मुख्य सब्जेक्ट में माइनस मार्किंग है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक ग्रेड सेकंड के घोषित किए गए रिजल्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।
अध्यापक ग्रेड सेकंड के लिए क्वालिफाई करने वाले एक अभ्यर्थी को जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी के पेपर में 0 और गणित में -9.79 अंक मिले हैं। रिजल्ट आने के बाद अब जल्द ही उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। इस चयनित अभ्यर्थी की मार्कशीट अब सार्वजनिक हुई है, जिसमें यह खुलासा हुआ। RPSC द्वारा यह परीक्षा 30 जून 2017 में आयोजित की गई थी, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग बैठे थे। 662 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से 660 पदों पर ही परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा के 24 फरवरी को घोषित रिजल्ट से पहले 10 फरवरी को भी परिणाम घोषित किए गए थे। इस रिजल्ट का प्रदेश भर के परीक्षा देने वाले छात्रों ने विरोध किया था। इसके बाद आयोग ने रिजल्ट को संशोधित किया था। गौरतलब है कि अध्यापक पद की 662 वैकेंसी के लिए आयोजित इस परीक्षा में ST कैटेगरी के पुरुषों के लिए 106 स्थान आरक्षित है। घोषित रिजल्ट में जिस अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया है, उसे गणित में -9.79 नंबर मिले हैं। रिजल्ट से नाखुश अभ्यर्थियों ने रोल नंबर 258064 की मार्कशीट निकाली है। इसकी जन्म तिथि 5 अप्रैल 1995 है। यह अभ्यर्थी ST क्षेत्र से है। इसकी मार्कशीट में GK और एजुकेशनल साइकोलॉजी के पेपर में 0 अंक हैं, जबकि मुख्य पेपर गणित में -9.79 अंक हैं। इसे मेरिट में 659 नंबर पर रखा गया है और यह चयनित अभ्यर्थी है। इसके चलते आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। सवाल यह भी है कि विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से क्या सीखेंगे। उधर RPSC ने सफाई दी है कि नियमों के तहत ही यह चयन किया गया है और संबंधित कैटेगरी की कट ऑफ के आधार पर नियुक्ति दी गई है। अलवर में सब्जी मंडी आढ़तीय यूनियन की ओर से काम काज बंद रखकर विरोध जताया गया। इसके अलावा धरने का भी आयोजन हुआ। इनका आरोप है कि सब्जी मंडी में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हड़ताल की वजह से सब्जी मंडी में दुकानें बंद रही और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आढ़तियों का आरोप था कि मंडी के एक उच्च अधिकारी द्वारा बेवजह वसूली की जाती है। यूनियन अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा ने बताया कि इस अधिकारी की मिली भगत से उन्हें कर्मचारियों द्वारा अक्सर परेशान किया जाता है। वहीं पूर्व अध्यक्ष अभय सैनी ने कुछ कर्मचारियों द्वारा हफ्ता वसूली के भी आरोप लगाए। वहीं आढ़तिया ठाकुरदास ने भी इसे लेकर रोष जताया, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। आरोप है कि अलवर मंडी के उच्च अधिकारी ने पिछले दिनों CM के आगमन के नाम पर व्यापारियों से लाखों रुपए इकट्ठे किए थे। इसके अलावा प्याज मंडी और फल सब्जी मंडी में दुकानों के आवंटन के लिए भी वसूली की गई। द्वारा जो फैलाया जा रहा भ्रष्टाचार, उसके विरोध में हम लोगों ने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, मंडी के उच्च अधिकारियों को बताया, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो व्यापारियों ने आज 24 तारीख को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ की व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं आया, तो सभी व्यापारी आगामी चर्चा करके अनिश्चितकालीन बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। और बड़े जो हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के मंत्री हैं या राजस्थान के, दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं स्वागत भाषण में मीडिया विभाग के प्रमुख पिंकेश पोरवाल ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मीडिया विभाग के संपर्क प्रमुख आनंद शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। जयपुर में कंप्यूटर और वेबसाइट हैक कर बिटकॉइन की मुद्रा की मांग करने का मामला सामने आया है। इस बार हैकर्स ने विद्युत निगम की वेबसाइट को निशाना बनाया है। हैकर्स ने जयपुर में बिजली निगम की वेबसाइट jaipurdiscom.com को हैक कर इसे ठीक करने के बदले बिटकॉइन की मांग की है। वेबसाइट हैक होने से जनता को वेबसाइट से अपने बिजली बिल डाउनलोड करने और अन्य जानकारियां जुटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट हैक होने की जानकारी मिलने के बाद विभाग ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया। मामला उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं हैकर्स ने वेबसाइट को ठीक करने के बदले बिटकॉइन की मांग की है। गौरतलब है कि राजधानी में इससे पहले भी हैकर्स की हरकतों के मामले सामने आ चुके हैं। विधानसभा में गृह मंत्री की घोषणा के बाद गिरफ्तार किए गए अमरा राम समेत 160 नेताओं को रिहा कर दिया गया, लेकिन इन किसान नेताओं के तेवर और तीखे हो गए हैं।
पूर्ण कर्जा माफ करने जैसी 11 सूत्री मांगों को लेकर किसानों में आक्रोश बना हुआ है। जेल से बाहर आते ही किसान नेता अमरा राम ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि भले ही सरकार ने उन्हें विधानसभा नहीं आने दिया, लेकिन अब भाजपा के मंत्रियों का विधानसभा में मुंह काला करेंगे। हालांकि अमरा राम ने चक्का जाम की घोषणा वापस ले ली। उन्होंने सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए जमकर आरोप लगाए। गौरतलब है कि किसान विधानसभा का घेराव करने के लिए जयपुर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अमरा राम समेत 160 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया था। राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने जिस तरह का सामंतशाही रोल किया है, किसानों को सैकड़ों की संख्या में जो गिरफ्तार करके उसकी किसान की आवाज दबाना चाहती थी, जयपुर में नहीं घुसने दिया। हम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की विधानसभा का 2018 में मुंह नहीं देखने देंगे, और इस सरकार का कोई भी मंत्री राजस्थान के किसी भी गांव में आएगा उस तो उसका काला मोर काला झंडा दिखाने का उसका विरोध करेंगे कि वो राजस्थान के किसानों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से कल का जो चक्का जाम है उसको हम स्थगित करते हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उधर किसान नेता अमरा राम जयपुर सेंट्रल जेल से रिहा होकर शुक्रवार रात करीब 1:15 सीकर में जयपुर रोड पर चक्का जाम स्थल रामू का बास पहुंचे। इस मौके पर किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अमरा राम ने किसानों को संबोधित करते हुए 24 फरवरी को प्रस्तावित राजस्थान चक्का जाम स्थगित कर दिया। इसके बाद सीकर जयपुर के बीच भी आवागमन सामान्य हो गया। वहीं आसपास के 6 जिलों के हजारों यात्रियों और खाटू श्याम जी मेले में जा रहे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। अनियंत्रित हुई बोलेरो ने स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों को रौंद दिया, जिसमें 9 बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों में 4 की हालत गंभीर है। यह घटना बिहार में मुजफ्फरनगर सीतामढ़ी हाईवे पर आज सामने आई, जहां एक सरकारी स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर तेज गति से आ रही बोलेरो बच्चों को रौंदती हुई निकल गई, जिसमें 9 बच्चों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए। बोलेरो को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। हादसे के बाद बिहार सरकार ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं स्थानीय विधायक मुन्ना यादव ने बताया कि बोलेरो चालक नशे की हालत में था, इसी वजह से उसने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। बताया जा रहा है कि धर्मपुरी विद्यालय में छुट्टी के बाद बच्चे घर लौट रहे थे, इसी दौरान तेज गति से आ रही बोलेरो इन बच्चों को कुचलती हुई चली गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने 2 जगह सड़क पर जाम किया और हंगामा मचाया। वहीं प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद लोग शांत हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। ओडिशा के बोलांगिर में शादी में मिले एक तोहफे को खोलते समय विस्फोट हो गया। इसमें नवविवाहित युवक और उसकी दादी की मौत हो गई, जबकि युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। नवविवाहित जोड़े की शादी के रिसेप्शन में किसी अनजान शख्स ने यह तोहफा दिया था। घर पर जैसे ही इस तोहफे को खोला गया, उसमें धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक परिवार को किसी ने गिफ्ट की पैकिंग में बम दे दिया था। बताया जा रहा है कि गिफ्ट पर रायपुर लिखा हुआ था। पाटनगढ़ में रहने वाले सौम्य शेखर साहू की शादी बौद्ध जिले की रीमा साहू से हुई थी। नवविवाहित जोड़े को उनके रिसेप्शन में किसी अनजान शख्स ने गिफ्ट दिया। सौम्य ने तोहफे को घर ले जाकर दादी के कमरे में खोला तो उसमें धमाका हो गया। जिस वक्त हादसा हुआ, उस दौरान सौम्य के पिता बेटी के पास दिल्ली गए हुए थे। सौम्य की माँ भी उस वक्त घर पर नहीं थी, वे कॉलेज में प्रिंसिपल है। धमाका होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। सौम्य, उसकी दादी और पत्नी रीमा को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान ही दादी की मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर सौम्य को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी भी रास्ते में मौत हो गई, जबकि रीमा की हालत गंभीर है। पुलिस ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शादी से चिढ़े किसी शख्स ने जानबूझकर उपहार की शक्ल में यह बम दिया होगा, इसके चलते यह हादसा सामने आया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। जीरो नंबर वाले बने गुरुजी, आरपीएससी के रिजल्ट में हुआ खुलासा, परीक्षा पर उठे सवाल। अलवर मंडी में आड़तियों ने किया काम ठप, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप।
पुलिस चौकी में हुई शराब पार्टी, लड़ाई में सिपाही का फूटा सिर, हमलावर हुआ फरार। सेवादारों की सफाई अभियान से चमके अस्पताल, समाज सेवा का दिखाया जज्बा, अलवर सहित 250 शहरों में चला कार्यक्रम। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।